तो जिससे आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैंने आज जाना है ट्रिप पे। तो ट्रिप के लिए सिटीज होंगी, वहाँ पे अपने टूर कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वहाँ पे हम जो है ना जाएंगे। तो टेक्सला और इस्लामाबाद हमने जाना है, तो आपको भी साथ साथ टूर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं सीधा जाऊँगा जी पैदल चल के अपने कॉलेज जाऊँगा, क्योंकि फिर अभी हो रहे हैं जी सुबह की 6 हो रहे हैं, 6:30 बजे हमने वहाँ से निकलना है। अभी चलते हैं और फिर बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। तो अभी जी 6:11 हो गए हैं, अभी मैं घर से निकलने लगूँ। मैंने जिस तरह आपको बताया कि अभी बाहर अंधेरा है, तो अभी जो है ना बाहर सर्दी का भी होगी, तो मैं अपना कोट भी पहन लेता हूँ। मैं आज रात को सही से सोया भी नहीं, इतना एक्साइटेड था। वैसे तो मैं डेली रूटीन से तकरीबन 9-10 बजे रात को सो जाता हूँ, लेकिन आज मैं तकरीबन 12 बजे 12:30 बजे सही हूँ। नींद नहीं आई, इतनी एक्साइटमेंट थी कि जाऊँगा सुबह, जाऊँगा सुबह। और अभी वो टाइम आ चुका है जी, तो निकलते हैं जी, किस बात का इंतज़ार है। कल से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं क्या मेरे बाकी जो क्लास फैमिली में वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जाएंगे टूर पर जाना है। और ब्लॉग से सारी मैंने काफ़ी सारी बातें सोची हुई थी कि ब्लॉग में मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा, ब्लॉग शुरू करता हूँ तो फिर सारी बातें भूल जाती हैं। मैंने तो थोड़ा अलग सा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ये देखें, ये सामने रोड है, क्या आप तो अभी सही से मुझे कंफर्म नहीं है कि इस रोड से हम लोग जाएंगे, पहले टेक्सला जाएंगे हम लोग या इस वो आप ट्रक देख रहे हैं ना वो वाली, वहाँ पे रोड है तो यहाँ से हम लोग जाएंगे या एक और रोड है चकबेली वाली साइड से। सही से अभी मैं नहीं पता, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि कहाँ से हमने जाना है। मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड भी जाएगा अयान, तो वो एक आगे बेकरी है वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, उसने मुझे कॉल भी की थी कि आज जो मैं खड़ा हूँ, हमने कल ही प्लान बना लिया था। ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रोशनी अभी हो रही है। तो ये वाली जो ट्रिप है ये हमारी अभी मैट्रिक में वाला अलहम्दुलिल्लाह, तो ये हमारी क्लास की पहली और आखिरी ट्रिप है, इसके बाद जो मैट्रिक के स्टूडेंट है वो भी छोड़ देंगे। मेरा जो दोस्त है वो आगे आया हुआ होगा, तो वो अपने अबू जान के साथ आया, तो मैं भी उनके साथ अभी जाऊँगा मोटरसाइकिल पर, आगे का रास्ता मोटरसाइकिल पर। अभी मैं बिल्कुल रोड पर हूँ, रोड की इस साइड पर। इस टाइम तो रोड पर बहुत ही कम ही गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर वो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या लोड हुआ हुआ होता है। और वो वाले लोग अभी उठे हुए होंगे जिन्होंने सुबह जाना होता फ्रूट मंडी सब्ज़ी मंडी में अपनी शॉप का सामान लेने के लिए, वो इस वक्त उठे हुए थे। बाकी तो सब लुटियाल, खामोशी लुटियाल में। तो अभी आप ऊपर देख सकते हैं आसमान पे हल्की हल्की रोशनी हो रही है, और मेरे पीछे देखें वो अयान के अबू जा रहे हैं, तो मैं भी कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने कॉलेज है, देखा काफ़ी अभी सर्दी लग रही है, बस मैं अभी कॉलेज के गेट पे पहुंच गया। अच्छा सही है, अभी मैं कॉलेज के अंदर आ गया हूँ, वो पीछे सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे मैंने पूछा बच्ची अभी जो आए हैं किधर गए, किधर किधर गए वो, गए कह रहे कि बाकी जो इधर हॉस्टल है ना बाकी अभी मास के लिए, और जो हमारी क्लास के बच्चे थे वो हमें टीचरों जो टीचर्स थे उन्होंने क्लास में बताया हुआ था कि जिन्होंने ट्रिप के लिए जाने 10th क्लास ने उन्होंने आज हॉस्टल के अंदर ही नमाज़ पढ़नी। वैसे तो वो वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे पूरा जो है ना कॉलेज नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारी क्लास के बच्चों ने हॉस्टल के अंदर ही नमाज़ पढ़नी। शुक्र है मुझे अभी याद आ गया, तभी मैं हॉस्टल में जाऊँगा और आपको हॉस्टल का भी थोड़ा बहुत दिखाऊँगा इस तरह हॉस्टल की लाइफ होती है। ये पीछे मेरा सारा कॉलेज, ये बिल्डिंग है जी, वहाँ पे उस जगह पे मेरी क्लास है 10th, और वहाँ पे एक वो हॉस्टल है वो छोटों बच्चों के लिए और वो बड़े बच्चों के लिए, उस तरफ गर्ल्स कॉलेज और वो हमारे कॉलेज की कैंटीन है। तो जी जो बस है जिसने ले के जाना है हमें, वो अभी वहाँ पे गेट के पास पहुँच गई है। अभी और ना उसने बजाया तो मुझे, मैंने पीछे देखे थे वो बस थी, अभी अंधेरा है, आपको सही से ना नज़र आ रही होगी, सब बच्चे जो है ना हॉस्टल के अंदर है। अभी हॉस्टल में जाऊंगा, अगर अलाउ हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा हॉस्टल अंदर से। अभी मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ, तो इससे मैंने पूछा कि हॉस्टल की मैं वीडियो बना सकूँ, बोला है कोई मसला नहीं है बना लूँ। इनको मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर मैंने जो है ना
शुरू से लेके एंड तक सारी मैं वीडियो बनाऊंगा, इनको बता देना लाइक कोई मसला नहीं है क्योंकि सब ने अभी इन्जॉय करना है, सब ने वीडियोज़ वगैरह बनानी है, सबके पास मोबाइल होगा। तो ये मेरे कुछ क्लास फैलो है, हाय करो, हाय तो बस भी आ गई, वो आपको मैं दिखाऊँगा। ये है जी बस, इस पर बैठ के जाएंगे और दादा बीच में सामान वगैरह रख रहे हैं। जो हमारी क्लास के बच्चे हैं उनको अभी सारों को इकट्ठा करेंगे और फिर बस में ले के आएंगे। अभी सारे इधर उधर घूम रहे हैं और ये बस है मेरे पीछे, ये देखें। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बैठ जाऊँ क्योंकि मैंने आगे फ्रंट पे बैठ के वीडियो बना लूँगा, और पीछे अगर बैठा तो फिर सही से आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा। अभी मैं अंदर आया हूँ दोबारा हॉस्टल का, पठान भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। चल भाई मैंने इनको बोले मैं तो नाश्ता करके आऊँगी, इनका मैं से हॉस्टल वालों का। ये है जी हॉस्टल लाइफ। अभी मैं जो है नस में बैठा हूँ इनके, जहाँ पे ये सारे बच्चे खाना खाते हैं। तो इनको तो मैंने बताया कि मैं तो घर से नाश्ता करके आया हूँ, इन्होंने वैसे बोला चलो आ जाओ। सारे मेरे क्लास में उस तरफ जो है हमारे कॉलेज के वीपी साहब बैठे हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, वो दो ड्राइवर है, वो हमारे क्लास टीचर है अरसलान साहब। पीछे और भी मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए कह रहे हैं मैं वीडियो बनाऊं। सर अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम? मेरा नाम जो है फराम। फराम्स कर दो फिक्शन में सर। आप जरार भाई? मेरा नाम जरार अली राणा है, गिलगित से। अच्छा, ये कैप आपकी रवायती है, ट्रेडिशनल है? सर भाई मोहम्मद इंट्रोडक्शन फ्रॉम कराचीना। ये हमारे हीरो साहब शाहरुख खान साहब। आप जो है पूरे पाकिस्तान में से मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, कोई सिकरदू से है, कोई पेशावर से है, चकबेली वाले बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी मैं जो है बस में आया हूँ, पूरी अभी खाली ऊपर सामान वगैरह रख रहे हैं, और अभी जब ये फुल हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सब बच्चे बैठे हैं और मैं इस सीट पे बैठूंगा, इस सीट पे सामान है, देखते हैं इस सीट पे या इससे पीछे वाली जो सीट है इस पर मैं बैठ रहा हूँ। पीछे बैठा, लास्ट सीट पे चलते थे। किधर गया यार? वो छोटा हुआ तो साथ एक बता ले रहे हैं भाई। अयान है, अयान इधर। ये फोल्डिंग सीटें भी खोलते थे, बैठते थे साथ साथ, बैठ जाओ। ये जी अंदर से बस, ये हमारे पीटी साहब है। अब बच्चे जो हैं वो बस में बैठ चुके हैं, और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 7:17 हो गए हैं, और यहाँ से अगर हम विंडो की तरफ देखें अभी खुल जाए। ये देखिए जी, मनाला जी पता नहीं घर में बताया हो गया या ना बताया हो, ये मैंने
मैंने आपको बताया था कि दो बस जाएंगी, दो बस नहीं जाएंगी, एक ही बस थी, बस में सारे क्लास हमारे थे वो सारे आ गए हैं और एक गाड़ी है उसमें जो है बाकी क्लास टीचर थे। चक्री आ गए ना ये बिल्कुल हाईवे पे आ गए इधर जाना इधर से चक्री वाले इंटरचेंज है इधर से हम मोटरवे पे बैठेंगे फिर आगे जाएंगे ये हाईवे है जी। फ्रेंड ने मेरे जो है वो मैप निकाला हुआ है ये जगह चक्री बाईपास। अभी हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं जी। यार कसम से बड़ा ही भाई बाहर चेक करते हैं जी क्या व्यू है जी। अभी बस रुकी है जी इंटरचेंज पे ये चेक करिए जी माशाल्लाह। यहाँ से गए तो वो कह रहे हैं हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, अभी दूसरी साइड से वो जाएंगे
बस वाले हमने रिवर्स किए इस साइड से भी जहीं से बाहर हम लोग आ चुके हैं जी। अभी हम लोग जो है टेक्सला जा रहे हैं, आगे 4 किलोमीटर म्यूजियम है आगे, वहाँ पे पहले जाएंगे। सारे लड़के जो हैं वो बाहर चले गए हैं, हम लोग पॉइंट पे आए हैं, बाहर निकल के क्या कहा बीच में गाड़ी में लकड़ियाँ भी देखी, यहाँ पे हम जो है ना बनाएंगे। देख ये देख सारे बच्चे बाहर आ गए और ये इधर बस खड़ी हुई टेक्सला म्यूजियम, अंदर जाके देखते हैं माशाल्लाह। ये हमारे 5-6 हैं जो हैं ये बल्ती भाई भी हैं बीच में माशाल्लाह। हम लोग अभी जा रहे हैं, ये मेरे साथ सर हैं कासिम साहब, ये कह रहे हैं तुम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, मैंने कहा मैंने अपना व्लॉग शुरू किया हुआ है। शाफ साहब भी हैं, ये हमारे फिजिक्स के और मैथ के सर हैं माशाल्लाह। अभी हम लोग म्यूजियम में आ गए 1928 माशाल्लाह। ये जी कुछ पुरानी चीजें, इस तरफ वही हो जबरदस्त यार। को बताना वीडियो बनाए, वीडियो जबरदस्त। ये चेक करें ये फेसेस हैं, ये देखिए ये देखिए जी सेंटर में आप लोग देखिए। बाकी ये आगे भी जा रहे हैं जी, ये चेक करें जी, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये चेक करें जी। Don't worry, everything will be okay. Okay. हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये सारे रास्ते में गाना पढ़ते हैं बल्ती और वो पठान वगैरह, अभी वो जी भी रट गया है। ये कुछ बुक्स कह सकते हैं आप, मट्टी के बर्तन। ये पहले दौर के जो होते थे, इसमें क्या है, इसमें खाली है जी। ये देखिए जी, पता नहीं ये क्या चीज़ है मगर है बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत है। अभी आपको मैंने म्यूज़ियम दिखाया है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ।
मोबाइल को मैंने लगाना है चार्ज, चार्ज करने के बाद फिर आपको मैं जो जिस पॉइंट पे लेकर गया वो आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी ये म्यूजियम के बाहर वाला सीन है, ये म्यूजियम है और इसके सामने ये पार्क था। हम लोग सब यहाँ पे आए हुए थे, मैं तो पहले वो चला गया था उधर शॉप पे चार्ज लगाया मोबाइल, तो फिर ये इधर आ गए थे उस वक्त। पहले ये म्यूजियम में थे, मैं जब शॉप पे था तो ये इधर आए हुए थे, फिर अभी मैं भी इधर आया हूँ और अभी हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं म्यूजियम से। ओके, अभी दूसरे किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, वो जो पीटी सर हैं वो हमें लेके जाएंगे। वो मेरे पीछे म्यूजियम था, अभी बस में बढ़ने लगे। गाड़ी में 29 बजे हमने पूरे किए हैं और अभी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं जी? खंडरात पे जा रहे हैं। और ये पावर बैंक अभी मैं चार्ज लगाने लगा, वहाँ पे पहुँच के फिर दोबारा वीडियो बना रही होगी। वेलकम, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं, अभी देखते हैं जी अंदर जाके देख वगैरह जो खाना बनाएंगे वो इसके घर बनाएंगे, सामान सारा अंदर लेके जाएंगे। पबजी भी खेला करो यार। पबजी नहीं, मैं फ्री फायर खेलता हूँ, वो भी अभी छोड़ी हुई। पबजी भी ट्राई करूँगा मैं, लड़का पबजी खेल रहे हैं। ये देखें जी इधर माशाल्लाह माल्टो का बाग भी है, ये प्राइवेट जगह है, इधर एंट्री मना है। ये चेक करें जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह व्यू। ओ यार कमाल है यार, पार्टी हो रही है, पार्टी कमाल है यार। ये पारी हो रही है, पारी सामान ये हमारी पारी हो रही है, ये हम जा रहे हैं। अच्छा, ये हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं भाई। आप पठान हो? जी मैं पठान हूँ। किस इलाके से? मैं पारा चिनार से हूँ। पारा चिनार, ठीक हो जी भाई। आप भी कुछ कहना चाहिए? जी मैं कहना चाहूँगा, मैं स्कर्टू से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, हम इधर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, बल्तिस्तान से आ रही है, बलती हैं ये। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे खाना नहीं बना सकते, अगर वैसे आपने घूमना है तो घूम सकते हैं, खाना यहाँ पे बनाना और खाना वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वैसे आप अगर घूमने के लिए हैं तो वो घूम सकते हैं। तो हमने कहा है कि नहीं, फिर अभी कोई और प्लेस देख के तो वहाँ पर जो है खाना भी बनाया जाएगा और फिर घूमेंगे। वो देखे साहब खड़े हुए हैं वहाँ पर, जिस जगह की हम पहले बात कर रहे थे कि इन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो पता नहीं वो जो पीटी साहब थे वो बच्चों के लेके आगे गए। हम उधर नीचे पिक्चर्स खींच रहे थे, अभी हम भी जा रहे हैं। ये सारे मार्शल खंड रात बने हुए हैं, ये देखिए रास्ता किधर से, इधर से, इधर से, ये देखें जी। अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह। सुबह तो काफ़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे आके काफ़ी गर्मी लग रही है, खंडरात है शायद इस वजह से धूप निकल आई ना, थोड़ा थोड़ा बारिश वाला मौसम भी है और मैंने कोट भी उतार दिया है अपना। सारी टीम आ गई है जी, सारा ग्रुप। हमें तो यहाँ का नहीं पता था कौन कौन से रास्ते, हम यहीं से सीधा गए और फिर जो ये वाला रास्ता था यहीं से गए और फिर आगे से घूम के फिर यहाँ पर आ गए, ऐवें फिर चले हैं, यहीं भी फ़ोटो खींचते रहते। सब लोग वहाँ पे हैं, हमारी बस वहाँ दूर खड़ी हुई है। माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स टीचर्स सब जो है मिक्स हो गए और इंजॉय कर रहे हैं। जगह क्या नाम क्या है? श्री काक, श्री काक आज हुए। ये चेक करें, आन दे आन दे। शाजी प्लेट मुझे दे दे, प्लेट मुझे दे दे, एक मिनट सारे पकड़ना, प्लेट जब ले रहे हो ठीक है, ये मैं ले जाता हूँ। सब स्टूडेंट्स कोई छोटा मोटा सामान लेके जा रहे हैं आगे की तरफ, वहाँ पे खाना बनाना है। हम यहाँ पे
सीरी काक नहीं था, सीरी कैप था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी और थोड़ी प्लेट्स आ गई हैं और ये आसपास जैन टेंपल है, मंदिर से भी बना हुआ है, तो इसको मुझे नहीं पता। और सामान भी आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारे टीचर्स भी आ रहे हैं, टीचर्स भी दिखा रहे हैं। ये मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था, ये जैन टेंपल। बेस टाइम बहुत ज़्यादा था क्यों उधर उस साइड पे जो है ना खाना बनाने की तैयारी चल रही है, कोई प्याज काट रहा है, टमाटर वगैरह, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा था क्यों इधर पीछे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, कुछ उधर हैं, कुछ ये जो पूरा एरिया इधर घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कर रहे हैं, इधर खाना भी बनाने लगे। हाँ तो कुकिंग कर लेता ठीक है। हाँ अभी आग सही लगेगी इसमें, अभी आग लग गई है जी सही तरह, क्योंकि बीच में घी का वो डाला है पैकेट। ये ट्रिप तो हमारी फुल डे की है, सुबह से लेके रात तक, तो इसको फिर दो पार्ट्स में मुझे लगता है डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पार्ट वन था, अगले व्लॉग में पार्ट टू आप देखेंगे। तो हंसर रजक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दाओ में आ जाइए, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग यहीं से शुरू करने लगा।